Today our topic is RH incompatibility या फिर RH negative mother, pregnancy in RH negative mother, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन। आइसो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? कि आइसो इम्यूनाइजेशन है प्रोसेस होती है जिसके अंदर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के द्वारा दिए गए एंटीजन के प्रति उसके रेस्पॉन्स में इम्यून एंटीबॉडीज बनती है, ठीक है, क्योंकि उस पर्सन में वो एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इस वजह से उसमें इम्यून एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है। यह था आइसो इम्यूनाइजेशन। और दूसरा आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन, इसमें क्या होता है कि एक नेगेटिव पर्सन, आर एच नेगेटिव पर्सन के सर्कुलेशन में अगर आर एच पॉजिटिव सेल्स अगर डाल दी जाए तो उसके प्रति आर एच एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक है, तो वो होता है आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं आर एच आइसो इम्यूनाइज्ड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कैसे इफेक्ट करता है ये। तो ये जो आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी की जो कंडीशन होती है ये प्रेगनेंसी में जब डेवलप होती है, जब मदर आर एच नेगेटिव हो एंड फीटस आर एच पॉजिटिव हो, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है वो एक बैरियर का काम करता है, वो जो एंटीबॉडीज बनती हैं जो मदर के ब्लड में आर एच नेगेटिव ब्लड सेल्स होती हैं वो आर एच वो फीटस तक ट्रांसफर नहीं होती है, बट कुछ मतलब कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिनके कारण अगर मदर और फीटस का ब्लड मिक्स हो जाए तो उस कंडीशन में मदर में जो आर एच नेगेटिव फीटस, आर एच पॉजिटिव फीटस है उसकी एंटीबॉडीज, वो आर एच जो फीटस आर एच पॉजिटिव है उसका ब्लड आर एच नेगेटिव मदर में जो सर्कुलेट हो जाएगा उसकी वजह से मदर में आर एच एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है जिनमें ये मतलब जो मदर और फीटस का ब्लड दोनों मिक्स हो सकते हैं? तो जैसे कि अबॉर्शन हो सकता है, अबॉर्शन या एम्नियोसेंटेसिस, ठीक है, ऐसे कोई प्रोसीजर्स हो जिनमें ऐसा हो सकता है, या फिर एंटीपार्टम हेमरेज में ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे मतलब ऐसे प्रोसीजर्स या फिर ऐसे ऐसी कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हैं जिनमें फीटो मैटरनल हेमरेज की संभावना होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। और सिजेरियन सेक्शन के दौरान और लेबर की थर्ड स्टेज में और जो प्लेसेंटा को जो मैनुअल रिमूव किया जाता है उस कंडीशन में इसके हायर चांसेस होते हैं। और अगर फीटस का ब्लड मदर के ब्लड के साथ में 0.1 ml अगर मिक्स होता है तभी ये कंडीशन अगर हो सकती है, ठीक है। और इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि मदर अगर पहले से आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से सेंसिटाइज नहीं है, मतलब कि अगर ब्लड मदर में एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में फीटस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन वो धीरे धीरे होता है, हो सकता है वो डिलीवरी के बाद हो तो उसमें कुछ टाइम लगता है एंटीबॉडीज के डेवलपमेंट होने में, तो पहले फीटस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और जो एंटीबॉडीज बनती है वो डिलीवरी के बाद में बनती है, तो ये हमको मदर के ब्लड में डिलीवरी के बाद में अगर हम मदर का टेस्ट करेंगे तो हमको ये देखने को मिल सकती है। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो या फिर फर्स्ट अबॉर्शन हुआ है तो उसके बाद में हमको ये देखने को मिलेगी, और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी है तो उससे पहले हमको पहले ही मैटरनल ब्लड आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी वो सब चेक करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो सेकेंड फीटस में ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं एंटीबॉडीज का, ठीक है। अब देखते हैं आर एच इम्यूनाइजेशन के क्या क्या कॉजेज होते हैं, किन किन वजह से आर एच इम्यूनाइजेशन होता है, आर एच इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं। जैसे फीटो मैटरनल हेमरेज, तो फीटो मैटरनल हेमरेज क्यों होगा, अबॉर्शन होगा, एंटीपार्टम हेमरेज होगा, और एम्नियोसेंटेसिस होगा, या एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन होगा, ठीक है, या फिर
सिजेरियन सेक्शन होगा, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा में, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, ठीक है, या फिर हाइड्रेटेड फॉर मोल, ऐसी कंडीशन में जो फीटल फीटोमेटर्नल हेमरेज है वो अकर होता है, और जिसमें क्या होता है कि फीटल की जो रेड ब्लड ब्लड सेल्स है वो मदर के ब्लड में एंटर हो जाती है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है आरएच ब्लड जो मदर के ब्लड में है वो आरएच एंटीबॉडीज बन जाती है। और सेकंड क्या कॉज होता है इसका, सेकंड कॉज होता है अगर आरएच नेगेटिव मदर के ब्लड में आरएच पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो उसकी वजह से भी उसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज कौन कौन सी होती हैं, आरएच आइसोलेशन में दो तरह की एंटीबॉडीज बनती हैं, आईजीजी और आईजीएम, ठीक है। तो जो आईजीएम होती है वो एंटीबॉडीज उनका लार्ज साइज होता है, उनका मोलिकुलर साइज लार्ज होता है, तो वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है, तो वो फिटस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन जो आईजीजी इम्यूनिटी है उनका मोलिकुलर साइज कम होता है, जिसकी वजह से वो मैटरनल बैरियर को इजीली क्रॉस करके फिटस तक पहुँच के फिटस को डैमेज कर सकती है, ठीक है। तो आरएच एंटीबॉडीज का फिटस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव है
सीरम में आर एच बॉडीज प्रजेंट हैं, मतलब कि सीरम में आर एच एंटीबॉडीज प्रजेंट हैं, ठीक है, और उसकी पहले की हिस्ट्री है, अगर आर एच जो फीटस है उसकी इम्यूनाइटी डिजीज उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है, फिर मदर में पोलीहाइड्रोप्लास की कंडीशन है, या फिर सोनोग्राफी में फीटस में कुछ डिफॉर्मिटी दिख रही है, जैसे स्काल उसकी स्किन स्काल पे एडिमा दिख रहा है, या फिर बर्थ के टाइम पे बेबी पेल या फिर एसाइटिस के कारण एडिमेंटस दिखाई देगा, ठीक है, और प्लेसेंटा का साइज भी लार्ज दिखाई देगा, ठीक है, एडिमेंटस या फिर पेल प्लेसेंटा दिखाई देगी। सेकेंड होता है आइटेरस ग्रेविस नियोनेट्रम, उसमें क्या होता है कि जो हिमोलाइटिक डिजीज है ये एक कॉमन फॉर्म में होती है, इसमें हिमोलाइसिस जो हो रहा है फिटस में वो थोड़ा कम मात्रा में होता है, और इसमें बेबी बोर्न होगा, लाइव बोर्न होगा, लेकिन उसमें 24 आवर्स के अंदर अंदर जॉन्डिस होगा बेबी में, ठीक है। थर्ड कंडीशन है कंजेनाइटल एनीमिया, क्या होता है हिमोलाइटिक जो डिजीज है वो माइल्ड फॉर्म में होगी, इसमें हिमोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होती है, जिसकी वजह से बेबी बॉर्न होने के बाद में न्यू बॉर्न में उसमें एनीमिया की कंडीशन धीरे धीरे डेवलप होती है कुछ वीक के अंदर अंदर। अब आइसोमेट्रिसिस का मदर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि मदर में प्रीएक्लैम्प्सिया हो सकता है, पोलीहाइड्रोप्लास हो सकता है, और पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, और मिरर सिंड्रोम हो सकता है, क्योंकि मिरर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है और फीटस है उस पर एडिमा होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है मदर में, मदर पे ये इफेक्ट पड़ता है आर एच आइसोमेट्रिसिस का, ठीक है। अब इसके इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले मदर की हिस्ट्री लेंगे, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेंगे, जिसमें क्या पूछते हैं कि जो आर एच नेगेटिव मदर है उसके फर्स्ट बेबी नॉर्मल था कि नहीं था, ठीक है, और उसके बाद में जो बेबी हुआ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा, स्टिलबॉर्न की हिस्ट्री है या फिर जॉन्डिस की हिस्ट्री है, ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री हम पेशेंट से लेते हैं, और रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं, आर एच ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, और अगर आर एच नेगेटिव है मदर तो उसके हस्बैंड की भी आर एच ग्रुपिंग की जाती है, और कुंभ टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कुंभ टेस्ट किया जाता है, और एमनियोसेंटेसिस करते हैं, और फीटल असेसमेंट करते हैं, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फीटस असेसमेंट बाय ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन, बाय किक मूवमेंट, बेबी का किक मूवमेंट देखते हैं, ठीक है, फीटल ब्लड सैंपलिंग, फीटल की भी ब्लड सैंपलिंग करेंगे, उसमें अगर उसके ब्लड में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है, एनीमिया की कंडीशन है, कुछ भी हिमोलाइट की कंडीशन है, तो वो हमें पता चलेंगे, और अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे और एक्सरे, ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो हमने इन्वेस्टिगेशन देखी,
दिया जाता है उसको, तो रोगाम 150 माइक्रोग्राम भी दिया जाता है, लेकिन वो प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है, तो डिलीवरी के बाद में उसको 300 माइक्रोग्राम दिया जाता है आईएम, ठीक है, 72 आवर्स। और सेकेंड है, अगर मदर अन इम्यूनाइज है, पहले तो हमने देखा अनइम्यूनाइज मदर, सेकेंड है इम्यूनाइज मदर। अगर मदर इम्यूनाइज है तो उसमें क्या करते हैं कि जो मदर में है वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है पहले से, आरएस एंटीबॉडीज है मदर में, तो उस कंडीशन में तुरंत मदर को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और एमनियोसेंटेसिस और या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू एंटीबॉडीज का फीटस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका पता लगाया जाता है, ठीक है। तो फीटस का असेसमेंट किया जाता है, अगर फीटस में माइल्ड इफेक्ट पड़ा है तो प्रेगनेंसी को 38 वीक तक कंटिन्यू रखिए, उसके बाद में प्रेगनेंसी को डिलीवरी को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और अगर स्टिल बर्थ की प्रीवियस हिस्ट्री है तो तुरंत ही डिलीवरी करवाई जाती है या फिर सिजेरियन सेक्शन भी करवाया जा सकता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने के लिए कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि पहला एमनियोटॉमी, सेकेंड सिजेरियन। तो एमनियोटॉमी जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है उसका लो रप्चर करते हैं, लो रप्चर ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन जेल इंसर्ट किया जाता है सर्विक्स में, जिससे कि सर्विक्स सॉफ्ट होती है, उसमें डायलिटेशन होता है सर्विक्स का, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट की जाती है और उसकी डिलीवरी करवाई जाती है फीटस की। और सिजेरियन सेक्शन कब करते हैं, जब सीवियरिटी के आधार पर सीवियर जो सिजेरियन सेक्शन है वो सेफ प्रोसीजर होती है, जितनी ज़्यादा सीवियरिटी होगी, अगर फीटस में ज़्यादा सीवियरिटी है, अगर वो ज़्यादा सीवियर फॉर्म में हो गया उसमें, तो उसमें सिजेरियन सेक्शन करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है।